हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एफ कैट का लेक्चर नंबर 1। और ये सिर्फ एफ कैट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बाकी जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम जो अभी आने वाला है, इसके अलावा आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पर हमारा क्या है, जो यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या आपके इस तरह के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे एफकेट का एग्जाम हो, एफकेट में हो सकता है दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अदरवाइज एक तो 100% आपको पूछा ही जाएगा। एसएससी का एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है, रेलवे का एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम अभी आने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन ले लीजिए, मैं जो जो बता रहा हूँ लिखते चलिए। और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि आपने पढ़ा जरूर होगा यूनिट डिजिट वाले जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपने पढ़े होंगे, लेकिन क्या होता है भूल जाते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आपको कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो कॉपी पेन ले लीजिए, ध्यान से पढ़िए, जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से लिखते चलिए, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो। और अगर आपको आता है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिविजिबिलिटी रूल्स। मुझे पता है आप सभी को आता है, जिसको आता है वीडियो फॉरवर्ड कर सकता है, जिसको नहीं आता है सिर्फ 5 मिनट लगेगा, मैं पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल बाय 2, मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 2। लास्ट डिजिट आपका होना चाहिए 02468। यहां तक बात क्लियर? 02468 लास्ट का डिजिट अगर ये होगा तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से। अगला आता है 3। जो हमारा जो भी नंबर दिया गया है पूछा जाएगा ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। सिंपल। अगला आता है 4। लास्ट के दो डिजिट अगर 0 है या फिर 4 का मल्टीपल है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। लास्ट के दो डिजिट अगर 0 है या फिर 4 का मल्टीपल है, नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। अगला आता है 5, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। लास्ट डिजिट 5005 होगा, किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अगला डिविजिबिलिटी रूल 6, अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसके कुछ 3-4 टाइप हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहां तक समझ में आ गया आपको? देखिए फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। 2 02468, 3 सम अगर उसका 3 से डिविजिबल है तो मतलब कि 3 से डिविजिबल। 4 में क्या है, लास्ट के दो डिजिट 00 होने चाहिए और या फिर 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 में क्या है, 05 होना चाहिए लास्ट डिजिट। 6 में क्या है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए तो वो 6 से डिविजिबल होगा। 7 का क्या कॉन्सेप्ट है, 7 में है अगर कोई नंबर आपको दिया गया तो आपको क्या करना है, उसके लास्ट डिजिट का डबल करना है, लास्ट डिजिट का आपको डबल करना है। मान लीजिए नंबर आपको दिया गया है 543, मान लीजिए नंबर दिया है तो इसका आपको लास्ट डिजिट का डबल करना है। अभी हम इसको किसकी बात कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। 543 है, लास्ट डिजिट को डबल करिए, यानी कि 3 का डबल किया कितना आया, 6। इससे बाकी बचे नंबर से माइनस कर दीजिए, सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, 54 माइनस 6 कितना हुआ, 48। 48 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ जाता है तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा दे दिया गया 2478 बार बार रिपीट होता रहेगा। नंबर दिया गया 2478, पूछा है इज इट डिविजिबल बाय 7, तो कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट का डबल करिए कितना आया, 16 आया, बचे हुए नंबर कितने हैं, 247। 247 में इसको सब्सट्रैक्ट करिए कितना आया, 231। अब ये भी एक बड़ा नंबर है, अब हम चेक नहीं कर सकते 7 से डिवाइड करके, तो क्या है वही प्रोसेस यहां पर फिर से लगा देते, 1 का लास्ट डिजिट का डबल कितना हुआ, 2। रिमेनिंग नंबर क्या है, 23 माइनस 2 कितना आया, 21। अब आप सबको पता है 21 इज डिविजिबल बाय 7, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 2478 इज डिविजिबल बाय 7। ये समझ में आ गया आपको? अब 3 रूल और होते हैं इसके,
सेवन का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, कोई भी नंबर हो कैसा भी नंबर हो बस ये प्रोसेस करिएगा आपको समझ में आ जाएगा डिविजिबल है कि नहीं। अब क्या है, अगर एक नंबर सिक्स टाइम्स रिपीट हुआ है इट मींस दैट विल बी डिविजिबल बाय सेवन। मतलब कि कोई भी नंबर, एक नंबर सिक्स टाइम्स रिपीट हुआ है वो सेवन से डिविजिबल होगा। नंबर है एट 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 एट, सिक्स टाइम्स आ रहा है सेवन से डिविजिबल है। सेवन 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 ये तो ऑलरेडी है ही है, फोर 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 सेवन से डिविजिबल है, थ्री 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 सेवन से डिविजिबल है। कोई नंबर सिक्स टाइम्स रिपीट होता है वो सेवन से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा टाइम दो डिजिट थ्री टाइम्स रिपीट होते हैं सेवन से डिविजिबल है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कॉपी पेन हो तो लिखते चलिए। पहला रूल क्या बताया सेवन की डिविजिबिलिटी का, पहला रूल क्या बताया, लास्ट का डिजिट का डबल करना है, उसके बाद बाकी बचे नंबर से माइनस करना है, और अगर जो सब्सट्रैक्शन जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो क्या है आपका, उसे क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो अगर सेवन से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये सेवन से डिविजिबल है। नहीं मिल रहा है बड़ा नंबर है फिर से वही प्रोसेस करिए। इसके बाद दूसरा टाइम क्या बताया, कोई नंबर सिक्स टाइम्स रिपीट होता है तो वो सेवन से डिविजिबल है। सेम नंबर होना चाहिए, नंबर अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई टू डिजिट, दो डिजिट यानी कि दो सेम नंबर थ्री टाइम्स रिपीट होते हैं, थ्री टू थ्री टू थ्री टू, दो नंबर है थ्री टाइम्स रिपीट हो रहे हैं सेवन से डिविजिबल है, फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री सेवन से डिविजिबल है, एट जीरो एट जीरो एट जीरो सेवन से डिविजिबल है। अगला रूल तीन डिजिट नंबर दो बार रिपीट होते हैं सेवन से डिविजिबल है, थ्री डिजिट नंबर टू टाइम्स रिपीट होता है सेवन से डिविजिबल है। तीन डिजिट नंबर है दोबारा से रिपीट हो गया सेवन से डिविजिबल है। ये सेवन का है डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, जो डिविजिबल होगा हमारा एट से, उसका क्या रूल है, लास्ट के तीन डिजिट जीरो होने चाहिए या फिर एट का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे फोर में मैंने आपको बताया था क्या था, लास्ट के तीन दो डिजिट डबल जीरो होना चाहिए या फोर का मल्टीपल होना चाहिए। एट में क्या है, आठ से अगर डिविजिबिलिटी का रूल की बात करें, लास्ट के तीन डिजिट ट्रिपल जीरो होना चाहिए या फिर एट का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, एट के मल्टीपल है, इसका मतलब कि ये क्या है, आठ से डिविजिबल है। अगला डिविजिबिलिटी रूल है नाइन का, नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर किसी नंबर का सम नाइन से डिविजिबल है इट मींस कि वो नाइन से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का सम नाइन से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो नाइन से डिविजिबल होगा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं देखिए, और इसके अलावा एक और बचता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर दिया गया आपको उसका सम डिजिट का सॉरी ऑड डिजिट और इवन डिजिट दोनों का जो सम का डिफरेंस है वो अगर जीरो मिलता है, अभी एग्जांपल से बता देता हूं, 11 मिलता है 22 मिलता है 33 मिलता है, इसका मतलब ये 11 से 11 से डिविजिबल है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया 625614, ऑड डिजिट कौन कौन से हैं, 4 6 और 2, ये क्या है सारे ऑड डिजिट, इनका सम करिए 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12। इसके बाद जो इवन नंबर पे आ गए 5 और 1, इनका सम करिए कितना हुआ 12, 12 माइनस 12 डिफरेंस कितना है 0, तो डिफरेंस अगर 0 मिलता है 11 मिलता है 22 मिलता है 33 मिलता है इसका मतलब कि 11 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गए अच्छे से, एकदम क्लियर हो गया, बहुत आसान है डिविजिबिलिटी रूल। एक बार रिवाइज करेंगे क्या, दो मिनट लगेगा फटाफट रिवाइज कर लेंगे। देखिए टू का कैसे होता है 0 2 4 6 8, तीन का सम अगर आपका तीन से डिविजिबल है तीन से, फोर का लास्ट के दो डिजिट जीरो या फिर फोर का मल्टीपल, फाइव का जीरो और फाइव, सिक्स का टू से भी डिविजिबल होना चाहिए थ्री से भी डिविजिबल होना चाहिए, सेवन का क्या प्रोसेस बताया, लास्ट डिजिट का डबल करना है बाकी बचे नंबर से माइनस करना है, अगर वो सेवन से डिविजिबल है मतलब सेवन से डिविजिबल है। इसके अलावा इसके तीन टाइप और थे, अगर एक ही नंबर सिक्स टाइम्स रिपीट होता है तो सेवन से डिविजिबल है, दो डिजिट थ्री टाइम्स रिपीट होता है सेवन से डिविजिबल है, थ्री डिजिट टू टाइम्स रिपीट होता है सेवन से डिविजिबल है, आठ का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के तीन डिजिट जीरो या फिर आठ का मल्टीपल, नौ का डिविजिबिलिटी रूल, नाइन का क्या होता है सम अगर हमारा नाइन से डिविजिबल है, इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल, ऑड डिजिट और इवन डिजिट इन दोनों का सम करने के बाद जो डिफरेंस आता है अगर वो जीरो मिलता है इलेवन मिलता है ट्वेंटी टू मिलता है थर्टी थ्री मिलता है
इसका मतलब है वो 11 से डिविजिबल है। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई? हो गया ना सर? आई थिंक अब डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया। अब आप अपनी बुक से एग्जांपल में होंगे, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वो कर लीजिए। अब बात करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो ये समझिए, 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट लास्ट डिजिट आपको ये मिल रहा 0, 1, 5, 6 और इसकी पावर कुछ भी हो तो जो नंबर दिया गया यही इसका आंसर है। मतलब कि देखिए ये चार नंबर है 0, 1, 5, 6। एग्जाम्पल आपको दिया गया है 3, 2, 5, 7, 9, 6 की पावर 4, 8, 7, 3, 1, 2। लास्ट डिजिट आपको देखना है क्या, यहां पर 6। पावर कुछ भी हो लास्ट डिजिट यही हो। आप 6 का टेबल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। टेबल नहीं, सॉरी टेबल बोल रहा हूं। 6 की पावर 1, 6, 6 की पावर 2, 36, 6 की पावर 3, 216। तो क्या आ रहा है, बार बार 6 रिपीट हो रहा है। 0 में भी वही होता है, 1 में भी वही होता है, 5 में भी वही होता है। 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 25, 5 की पावर 3, 125, 5 की पावर 4, 625। तो क्या हो रहा है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है चाहे कितनी भी पावर हो। तो अगर लास्ट डिजिट हमारा 6 होगा, मान लीजिए यहां पर मैं 1 कर देता हूं, तब आंसर क्या मिलेगा, इसकी लास्ट डिजिट 1। ये चार नंबर याद रखिए, 0, 1, 5, 6। लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 है, पावर कितनी भी हो जो नंबर दिया गया वही उसका आंसर है। ये समझ में आ गया आपको 0, 1, 5, 6। अब बचे हमारे 6 नंबर, कौन कौन से? ये चार तो हो गए, 0, 1, 5, 6। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया, अभी मैं एग्जांपल से कराऊंगा, परेशान मत होइए। अब हमारे पास नंबर बचते हैं 4, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 और 9। यही नंबर्स तो बचे हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या है, 4 और 9 हर 2 पावर के बाद रिपीट होता है। 4 की पावर 1 कितना आया, 4। 4 की पावर 2, 16। 4 की पावर 3, 64। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 216। 4 की पावर 5, तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हर 2 पावर्स के बाद रिपीट हो रहा है, साइकिल चल रहा है, 2 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 4 की पावर 1, 4 लास्ट डिजिट क्या है, 4। 4 की पावर 2, 16 लास्ट डिजिट क्या है, 6। फिर आ गया 4, फिर 6, सेम प्रोसेस टाइम में भी है। 9 की पावर 1, 9, 9 की पावर 2, 81, 9 की पावर 3, 729, 9 की पावर 4, 6, 5, 6, 1। अब देखिए आप क्या हो रहा है, हर 2 पावर्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो यानी कि अगर लास्ट डिजिट में आपको 4 और 9 मिलता है, पावर कुछ भी हो, अगर 1 होगी तो 9 मिलेगा, 2 होगी तो 1 मिलेगा। अभी आगे हम सॉल्व करेंगे पावर, वो छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट समझ लिए। 0, 1, 5, 6 समझ में आ गया, कुछ भी हो वही आएगा। 4 हर 2 साइकिल के बाद रिपीट होता है, 9 हर 2 साइकिल के बाद रिपीट होता है, बाकी सारे नंबर्स हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होते हैं। 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2। अब देखिए यहां पर आप वापस से 2 आ गया, कितनी पावर से बाद आया, 4 पावर के बाद। 4 पावर के बाद यानी कि एक्सपोनेंट्स के बाद, 4 एक्सपोनेंट्स के बाद वापस से वही इसका प्रोसेस शुरू हो गया। 3 में भी वही होता है, 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 9, 3 की पावर 3, 27, 3 की पावर 4, 81, 3 की पावर 5, 243। देखिए यहां पर वापस से 3 शुरू हो गया, दिख रहा है आपको, 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। अगला आ जाइए 7, 7 की पावर 1, 7, 7 की पावर 2, 49, 7 की पावर 3, 343, 7 की पावर 4, 2401, 7 की पावर 5। अब देखिए यहां पर 4 साइकिल के बाद, 4 पावर्स के बाद वापस रिपीट हो गया, क्या आ गया यहां पर, 7। सेम प्रोसेस 8 में भी है, 8 की पावर 1, 8, 8 की पावर 2, 512, इसके बाद 409, इसके बाद वापस से जब आप 8 की पावर 5 करेंगे तो फिर आपको वापस से 8 मिल जाएगा। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ गई,
किसमें हो रहा है, दो तीन चार, सॉरी चार में नहीं, दो तीन सात और आठ, यहां पर हर चार पावर के बाद रिपीट हो रहा है, और फोर और नाइन में क्या होता है, हर दो पावर के बाद रिपीट होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए क्या करना है, अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कैसी भी पावर दी हो, कैसी भी, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको उसमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाते हैं, आपको सिर्फ फोर से डिवाइड करना होता है, कैसी भी पावर। मान लीजिए कि एक आपको एग्जांपल देता हूं, 93 की पावर 4913, ये है आपके सामने एग्जांपल, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है यूनिट डिजिट हमें बताना है, तो पहली चीज ये ध्यान रखिए, जो भी पावर होगी इसको हमें क्या करना है, पहला स्टेप है पावर को या एक्सपोनेंट्स को हमें फोर से डिवाइड करना है, ये हमारा पहला स्टेप, स्टेप वन। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप आएगा जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो हमें इसकी पावर लगानी है, वही इसकी पावर होगी। मतलब कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जीरो रिमाइंडर मिलता है तो पावर होगी फोर, जीरो की जगह जीरो नहीं लिखना है, जीरो रिमाइंडर मिलता है तो पावर फोर, वन रिमाइंडर मिलता है तो पावर वन, टू रिमाइंडर मिलता है तो पावर टू, थ्री रिमाइंडर मिलता है तो पावर थ्री। जो पावर दी गई है इसकी लास्ट दो डिजिट को आपको सिर्फ फोर से डिवाइड करना है, ये पहला स्टेप। फिर अगर ये रिमाइंडर मिलता है तो पावर क्या होगी, ये होगी। अब देखिए एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, 93 की पावर 4913, ठीक है, लास्ट दो डिजिट क्या है पावर की, 1313, फोर से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बचा, वन बचा, यानी कि 93, यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 की पावर 1, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 3, यही है हमारा यूनिट डिजिट, बस यही आंसर है। यहां तक आ गया समझ में, एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जो भी पावर हो, लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आ रहा है वही उसकी पावर हो जाएगी। और फिर यूनिट डिजिट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, थोड़े से बड़े नंबर्स लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम आपको देंगे, इसके बाद आपको प्रॉब्लम करनी है। पहला क्वेश्चन है ये हमारा 3983 की पावर 7383, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें हमसे पूछा है यूनिट डिजिट बतानी है, और इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, 83 को 4 से डिवाइड किया कितना बचा, 3 बचा रिमाइंडर, यानी कि पावर क्या हो गई, 3, 3983 की पावर 3, लास्ट डिजिट क्या है, 3, 3 की पावर 3 आपको पता ही क्या होता है, 7, बस इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या हो गया आंसर, 7। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, लास्ट के दो डिजिट आपके सामने लिखे हैं 83, 4 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 क्या बचा, रिमाइंडर। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर एक है, सॉरी रिमाइंडर लिख लीजिए आप, अगर नहीं लिखा हो तो रिमाइंडर वन तो पावर वन, रिमाइंडर टू तो पावर टू, रिमाइंडर थ्री तो पावर थ्री, रिमाइंडर जीरो तो पावर फोर। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा था, 83 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 3 ही तो बचा, यहां लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या क्या, 27, बस यही आंसर है इसका। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक नंबर का जरूर मिलेगा आपको एफकैट में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 13 की पावर 56 मल्टीप्लाइड बाई 98 की पावर 83 मल्टीप्लाइड बाई 64 की पावर 81 मल्टीप्लाइड बाई 98 की पावर 13। अब देखिए अभी जो मैंने आपके सामने लिखे थे ना नंबर्स, उसका आपको बताया था, जैसे 2 का बताया था हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, 3 का बताया था, इसके बाद 4 का बताया था, फिर इसके बाद 7 का बताया था, 8 का बताया था, 9 का बताया था। अगर आपको यूनिट डिजिट उनके याद है तो अच्छी बात है, बहुत काम आते हैं एग्जाम में। अगर याद है तो जैसे 3 की पावर 3 तो 7 आएगा, 3 की पावर 4 तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत आसान होता है, और नहीं याद है तो भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अब इसको हम फटाक से करेंगे, देखिए पीछे आपके सामने एग्जांपल है 13 की पावर 56 है, मतलब कि हमें ये पता है कि ये 4 से डिविजिबल है,
रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, मतलब कि पावर कितनी होगी, फोर। जीरो की जगह जीरो मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि यहां का लास्ट डिजिट क्या है, थ्री, और यहां पावर कितनी है, फोर। ठीक है, अगला देखिए 98, 83, रिमाइंडर बचा तीन, यानी कि पावर थ्री, लास्ट डिजिट आठ। 64 की पावर 81, चार से डिवाइड किया, वन बचा, फोर की पावर वन। 98 की पावर 13, चार से डिवाइड किया 13 को, तो कितना आया, वन, यानी कि 8 की पावर वन। यहां तक समझ में आ गया। 3 की पावर 4 कितना आता है, लास्ट डिजिट 1 आता है, करके देख लीजिए। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 3 की पावर 2 9, 3 27, 81। 3 की पावर 4 यानी कि लास्ट डिजिट क्या है, 1। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512, लास्ट डिजिट 2। इसीलिए बोल रहा होगा ये आपको चार साइकिल तक याद रहता है तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती, क्योंकि उसके आगे वही बार बार रिपीट होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। 4 की पावर 1 4, 8 की पावर 1 8। अब लास्ट डिजिट है ये, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 इंटू 1 कितना हुआ, 64, यानी कि लास्ट डिजिट 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लास्ट डिजिट आया हमारा 4। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 23 की पावर 936 इंटू 43 की पावर 451 इंटू 51 की पावर 711 माइनस 98 की पावर 255 इंटू 13 की पावर 35 प्लस 63 की पावर 13। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, आपने देख लिया। मैं आपसे यही बोलूंगा, एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और बताइए जल्दी से फटाक से इसका आंसर क्या होगा। चलिए कर लिया होगा, देखिए लास्ट डिजिट 36, 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0, यानी कि पावर कितनी होगी, 4, 3 की पावर 4। अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, फटाफट हम करते चले, आप देखते चलिए। 51 है, डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर, 3, 11, 3 बचेगा, 55, 3 बचेगा, 35, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया आपको, अब देखिए यहां पर ध्यान से करिएगा, 4 है कितना आएगा, 1, 3 है कितना आएगा, 7, ये लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट 1, ये सारी यूनिट डिजिट है, माइनस ये कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा आपका, 7, और ये कितना आएगा, 3। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ, 7 माइनस ये कितना हुआ, 14, यानी कि लास्ट डिजिट 4, और ये प्लस 3, कितना होगा, 7 3 10, 10 माइनस 4 कितना है आपका, 6। ये है आपका आंसर, लास्ट डिजिट बोलिए या फिर यूनिट डिजिट बोलिए, एक ही चीज है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में इस तरह का आपका आ जाएगा तो मुझे लगता है आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 3-4 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 125 की पावर 813 इंटू 553 की पावर 3700 इंटू 4532 की पावर 828, इसका हमसे पूछा गया है यूनिट डिजिट। यह आपका पहला क्वेश्चन, इसमें सब में हमको बताने हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन 3 की पावर 57 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 63। थर्ड क्वेश्चन 16 की पावर 73 इंटू 102 की पावर 123 इंटू 495 की पावर 109। फोर्थ क्वेश्चन 163 की पावर 95
इंटू 181 की पावर 735 इंटू 408 की पावर 111। इन चारों के आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर किसी डाउट में आपको ऐसा लग रहा है, मतलब कि किसी भी कॉन्सेप्ट में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि मैंने कोई बाई मिस्टेक कुछ गलत बता दिया है, तो आप हमें जरूर बताइए कि वो कॉन्सेप्ट आपका गलत है, वो आपकी जगह ऐसा होना चाहिए। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके आंसर्स आपको चारों के आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्या बताना है? सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, बस। आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। एफकैट में सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल सिंपल, सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं। तो एक नंबर आपका पक्का हो गया। अब आगे हम चलेंगे अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए आज पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।